मतलब यहाँ से आप चिल्लाओ रामू काका आ जाओ, जब आप ऐसे बोलोगे तो सर्वेंट्स जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहते थे, वो वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। विमेन का ऑफ कोर्स अलग था और मेन का अलग होगा। वेयर वाज द विमेन्स हमाम? दे केम टू द सेम बाथरूम। मैं इस पर लेट के देख रहा हूँ पर ये काफ़ी गर्म है तो मुझे इसको ठंडा करना है। Excuse me, where's the palace? Shirvan Shah Palace? Shirvan Shah Palace. One, two. Okay, okay. सिगरेट बहुत पीते हैं यार, भयंकर पीते हैं यहाँ पे सिगरेट, पता इनका काम ही नहीं चलता। कल मेरा जो कैब ड्राइवर था उसने कैब में बैठे बैठे 4 सिगरेट पी ली और उसका ध्यान सिगरेट जलाने की तरफ ज़्यादा था, गाड़ी चलाने की तरफ कम था। रैश ड्राइविंग भी बहुत कॉमनली होती है यहाँ पे। रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है पर बहुत ज़ोरदार गाड़ी चलाते हैं, हिला डालते हैं अंदर से। अज़रबैजानी लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमेशा मदद करने को तैयार। वेरी गुड एंड वेरी बिग। व्हाट्स योर गुड नेम सर? व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज गर्मा। गर्मा, आई लिव हियर। यू लिव इन इचेरी शहर? यस। ओके, कैन यू वेट अ लिटिल? आई वांट टू बाय शुगर। श्योर 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 श्योर। टू मिनट्स। श्योर श्योर। पर उनसे ज्यादा इंग्लिश की अपेक्षा मत रखिए। I live near Shirvan Shah. So do you speak Russian as well? Russian? I speak Russian and Azerbaijani. And Azerbaijani. What is your name? Agamya. A-G-A-M-Y-A. Agamya. How old are you? I'm 38. Here's my house. This is your house? Yes. Here is Shirvan Shah. Okay. ओके, कोक्साको, थैंक यू। ये अज़रबैजान की कैपिटल जो है वो 15th सेंचुरी तक, अर्ली 15th सेंचुरी तक बाकू नहीं थी, कोई और शहर था, मेमाक, मेखामी और समथिंग लाइक दैट। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और उसके बाद जो वहाँ के सुल्तान थे इब्राहिम वन, उन्होंने कैपिटल को बाकू में शिफ्ट कर दिया और उन्होंने अपना पैलेस, अपना फोर्ट ये बनाया। There are some suppositions that the main tower, the lower part of the main tower, was also inside of the Caspian Sea. The main tower was in the middle of the Caspian Sea. What I was reading that the Caspian Sea receded and then therefore some land was available and on that land people made the main tower. Yes, yes. And then there was this story of a lady, with fire-colored hair and she saved from slavery and all that. Yeah. But we are not sure. Yeah, it's just legend. And the stairs are very huge because king was very tall. He was 2 meters. We know this much about the king, that he was 2 meters. He had 25 rooms, under 27 rooms. Servants lived there and they communicated with this host. Bring tea for king, for example. तो आप समझ रहे हैं, ये बता रही हैं कि servants को बुलाने के लिए ये halls बनाए गए थे। मतलब यहाँ से आप चिल्लाओ रामू काका आ जाओ, जब आप ऐसे बोलोगे तो सर्वेंट्स जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहते थे, वो वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और ये 7th सेंचुरी तक यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का राज था, प्रोबेबली रोमन्स की वजह से। और 7th सेंचुरी के बाद से इस्लाम यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ अरब्स। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि टर्क्स के आने की वजह से ऐसा हुआ था, बट अरब्स जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए। दिस इज अगेन टू कॉल सर्वेंट्स। यू कैन सी एनिमेशन, दे विल पास फ्रॉम हियर टू सर्वेंट्स। 3D इमेज, उन्होंने एक 3D इमेज बना के रखी है कि उस जमाने में सर्वेंट्स कैसे जाते हुए दिखते होंगे। दिस इज सो अमेजिंग, रियली अमेजिंग। वाओ, देखिए फिर कोई है। You know, this is what we call as khanjar. Khanjar, what was the same? Khanjar. देखिए ये लोग खंजर को कैसे लिखते हैं, X A N C A R.
So this is not C, this is cha. Cha. Like chai. Mm-hmm. You call it chai. Chai. Tea. दो धार की sword. Typical Muslim countries के लिए. और यहाँ पे कितने 200 diamonds. There were 200 diamonds. ये था emperor के बैठने की जगह, शहनशाह के बैठने की जगह, और ये उनका पूरा दरबार था. What come again? संतूर. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो सी है, समंदर है. अभी हम थोड़ी देर पहले मेडन टावर गए थे. मेडन टावर से बहुत दूर था समंदर, लेकिन उस ज़माने में 12th सेंचुरी में जो कैस्पियन सी है वो राइट एट द मार्जिन ऑफ मेडन टावर था. हर एक ये विंडो जो है ये एक सर्टन स्टार की तरफ डायरेक्टेड थी, तो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा काम होता था. लैला एंड मजनू आल्सो. लैला एंड मजनू आल्सो इज द पोएम ऑफ निजामी, बट दिस इज हिज बेस्ट नोन पोएम इज लैला एंड मजनू, निजामी बाय निजामी, बट दिस इज नॉट लैला एंड मजनू, दिस इज फरहाद एंड शिरीन. एंड ही वाज फ्रॉम गांजा. यस, गांजा. That's why he took the surname like Nizami Ganjavi. Nizami Ganjavi. And this is from love poem Farhad and Shirin. This picture. तो सिर्फ अंग्रेजों के पास ही नहीं, बल्कि इन लोगों के पास भी इंडिया से लूटी हुई चीजें हैं. ये जो स्टोन्स हैं, जो ब्रेसलेट्स हैं, ये इंडिया से लूटे गए थे. In Azerbaijan, in Muslim countries, there is such a holiday when they cut the sheep. Yeah? And during that holidays, they cut here. Okay. For their blood. For their blood from here. Yeah. Mm-hmm. And some people say that noise. मेरी गाइड इतने अच्छे से समझा रही थी, तो ये क्वेश्चन पूछना तो बनता था. सो हाउ कम योर इंग्लिश इज सो गुड? यू लर्नड इंग्लिश समवेयर? लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, बट इंग्लिश मस्ट बी एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट? नो, नॉट सो. बातों बातों में उसने मुझे फंसा लिया. फोटो स्टूडियो विद आवर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, नेशनल ड्रेसेस. इफ यू वांट, यू कैन वेयर फॉर मैन the dress, you can be as a king. मेरी गाइड ने मुझे सपने दिखाना शुरू कर दिए थे. And will I have 200 diamonds with me? No, there is no diamonds. But very beautiful stone. It looks like the ancient stone. If you want, you can see. You can have a tea. You can eat the food. Okay. So what's it cost? इस महिला ने बड़े ही सम्मान के साथ मेरी जेब ढीली कर दी. आने वाले इन दो फोटोज को जबरदस्ती देखिए, क्योंकि मैंने इसके 1500 रुपए दिए हैं. यहाँ के जो एम्परर थे वो बहुत लंबे थे, 2 मीटर हाइट के, तो उन्होंने अपने हिसाब से काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनवाई थी. So by hammam you mean Turkish hammam, or Azerbaijanis had their own kind of hammam? No, it's similar. Yeah, it's similar. Yeah, similar. So the concept of hammam came from Turkey, right? The Ottomans, I think. Yeah. Wow, this is some serious hammam. ये है भैया हमाम का जो भी कुछ हिस्सा था वो बचा कुचा ये आपको दिख रहा है. तो ये हमाम जो शब्द है उसका मतलब ही है पब्लिक बेथिंग सिस्टम, मतलब पब्लिकली जहाँ बैठ आप नहा सको. और सोशल गैदरिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, मतलब लोग आते थे और साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे. विमेन का ऑफ कोर्स अलग था और मेन का अलग होगा. वेयर वाज द विमेन्स हमाम? दे केम टू द सेम बाथरूम, वुमेन एंड मेन, बट इन डिफरेंट डेज. Each okay. room on the domes, they were full for daylight, for ventilation. And I think the steam also can go out from there. Water entered into boiler room. There it was heated by kerosene, petrol, white oil, and then water distributed among the other rooms by ceramic pipes. वहाँ पे underground system था water heating करने के लिए. So Miss Lala, can you again tell your name? What's your complete name? My name is Lala in Azerbaijan language. Lala. Lala. But,
there is no in English as, that's why I say everybody Lala. यहाँ try करते हैं कुर्बान साइद रेस्टोरेंट. Hello, welcome. Hello. You have a balcony? Balcony. वैसे खाना ऑर्डर करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको पता ही ना हो कि कौन सी चीज़ क्या है. और चूंकि वीडियो बनाना था मुझे तो एक फूड एक्सपर्ट की तरह ढोंग करना ज़रूरी हो गया था. ओवर एक्टिंग के चक्कर में पानी का ऑर्डर देने पर वोडका की चॉइसेस मेरे समक्ष रख दी गई. चिकन नूडल्स एंड चिकन कबाब. ओके मेरी वेटलेस भी समझ गई कि जो आदमी खाने से पहले सूंघ रहा हो वो क्या ही ऑर्डर करेगा. चिकन कबाब जिसके नीचे ये रोटी जैसा कुछ निकलता है. ये नॉट श्योर व्हाट इज दैट. ये तो कुछ असॉर्टेड ब्रेड्स हैं. ये विनेगर है. ये कुछ चूरण है मतलब कोई पाउडर है किसी चीज़ का. और ये अजीब से खट्टे मीठे फ्रूट. तंदूरी चिकन, ठंडी हवा, मांग कर रहे थे गर्मा गर्म हमाम की. अभी 4 बजे हैं और टेम्परेचर अभी से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है और वो दूर समंदर दिख रहा है. बताता हूँ. हवा का झोंका. बस यही एक ठंड है जो मैं आप लोगों को फील नहीं करा सकता, वो मैं ही फील कर सकता हूँ. भूल भुलैया है और बहुत सारे रास्ते हैं. जैसे हमारा अष्टाचंगा होता है वैसे इनके यहाँ गेम होता है बैकगैमन. इसमें एक इंसान आधा लेटा हुआ होता है. सॉरी, इसे दो लोग खेलते हैं और ये ओपनली आपको कहीं भी स्ट्रीट्स पर खेलते हुए लोग मिल जाएंगे. Okay, so my phone is back in business. वहीं फारिस भाई के साथ दोस्ती गहरी होती जा रही थी. Yeah, I do feel. I didn't know that it would be so cold. When I came out in the afternoon, it was. Do you have some jacket? Yeah, I have at the hotel. वक्त आ गया है होटल जाने का. और मेरे होटल की जो टर्किश हमाम है वो बड़ी फेमस है. मैं जरा जाके चेक करता हूँ कि कितने की है, कितनी देर की है. कोशिश करूँगा कि मैं शेयर कर सकूँ टर्किश हमाम के वीडियोस. इतनी पतली गलियों में भी ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कार चलाने का. ऐसा डिसिप्लिन हो तो आप लंबी लंबी सेडान्स को भी और बड़ी बड़ी एसयूवीज को भी लाइन से लगा सकते हो और उसके बगल से एक और कार आराम से निकल सकते. हमारे अगर इतनी कम चौड़ी सड़क हो तो गाड़ी चलाना दूर की बात है, लोग ढंग से पैदल नहीं चल पाएंगे, उसी में फंस जाएंगे आपस में. तो ये तो कुछ नहाने वाने का रूम है. ये है मेन हमाम का रूम. अब हमाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि अल्टरनेटिंग रूम्स थे ठंडे पानी के, गर्म पानी के, फिर हीट, स्टीम, ये सब लो, आखिरी में नहाओ, कोई आपको रगड़ रगड़ के स्क्रब भी करेगा, सब तरह की चीज़ें होती थी. बट ये बहुत बेसिक किस्म का है. तो ये जो बेसिन्स हैं इनमें ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आता है नल में से. तो आप क्या करो, पहले इसमें लेट जाओ, लेट के देखो. मैं इसमें लेट के देख रहा हूँ और ये काफ़ी गर्म है तो मुझे इसको ठंडा करना है. ठंडा करने के लिए मैं ये बाउल लूँगा तो मैं इस बाउल को भरूँगा और इसके ऊपर फेंक दूँगा. उससे क्या होगा कि शुरू में मुझे थोड़ा सा ठंडक, मतलब इतना बेरेबल गर्मी मिलेगी कि मैं लेट सकूँ और फिर धीरे धीरे करके मेरी पीठ, मेरी बॉडी गर्म होगी, प्रॉपर हमाम की फीलिंग आ सके. अब लेट के देखते हैं. अब बेटर है.
तो जो टाइल्स हैं इसके नीचे कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि इसमें ये बहुत हॉट हो जाती हैं। नग्नता और सुस्ती के बाद अब वक्त है अजरबैजान की आत्मा में उतरने का।